मामा आप प्लीज टेंशन मत, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एंड याद है ना, सुरु को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो प्लीज भूलना मत। जानवी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। Can you come out, please? आपको जो कहना है यही कह सकती है। मैं अपनी फैमिली से कुछ नहीं छुपाती। Fair enough. अगर आप सब कुछ जानती हैं तो ये भी जानती होंगी कि आपकी बेटी और मेरे हस्बैंड के बीच में क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं उसे। आई डोंट नो, यू टेल मी। ये क्या कह रही हैं? सच जो शायद आप नहीं जानती लेकिन मुझसे छुपा नहीं है, मैंने खुद देखा है। क्या देखा है आपने, मुझे भी बताइए। यही कि तुम ऑफिस काम के बहाने जाती हो लेकिन घंटों घंटों तक मेरे हस्बैंड के केबिन में हमारे घर की प्राइवेट बातें डिस्कस करती हो उसके साथ, और फिर उसे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस देती, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देती। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इससे आपको लगा कि हमारे बीच में अफेयर चल रही है? सीरियसली, आदि सर ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, है मेरा उनसे रिश्ता, हमदर्दी का, विश्वास का, इंसानियत का। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिश्ता है? दोस्ती का। ना इससे पहले हमारे बीच में कुछ था और ना ही कभी होगा। पर आप तो वही देखेंगी ना जो आप देखना चाहती। यू नो, जब मन में मैल भरा हो ना, तब अक्सर आंखें भी धुंधला जाती हैं। आपको मुझ पर विश्वास क्यों होगा? एंड होना भी नहीं चाहिए। मैं हूं कौन? एक स्ट्रेंजर जो आपसे सिर्फ एक दो बार मिली है। लेकिन आदि सर, वो तो आपके हस्बैंड है ना? 8 साल से आपका रिश्ता है, 2 बच्चे, एक छत के नीचे दिन रात आप साथ रहते हैं, उन पर भी आपको भरोसा नहीं है, कैसे होगा? आदि सर की वाइफ होती तो उन्हें अपने हस्बैंड पे भरोसा होता, लेकिन आप तो निशा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती। मिसेस जिंदल, मैं भी एक औरत हूं, एक घर टूटने का दर्द मैं समझ सकती हूं, और मैं कभी भूलकर भी ऐसा नहीं करूंगी। जबकि तब जहां मैंने खुद एक टूटते हुए घर को नजदीकी से देखा। बिन्नी वो छोड़ो बेटा, ये खाना खाओ। मम्मी मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खाना चाहती। अब हम और हमारी बिन्नी कूल एंड हैपनिंग है, नानी कूल एंड हैपनिंग नहीं है। पर खाना पड़ेगा ना, खाना नहीं खाओगे? ये सब छोड़ निशा, अब तू ये बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। गॉड, ये निशा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसका फोन है, उठाती क्यों नहीं है? मॉम एक मिली थी मुझे, चाशनी में डूबी हुई मदर टेरेसा टाइप। उसको ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बहुत शौक है, बहुत शौक है उसे दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो मुझे ऐसे लगा कि इतने अच्छे इंसान को तो मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी उसे आजमाना चाहिए। अब क्या है ना, कैसे भोले और बेवकूफ लोगों से दुनिया तो नहीं चलती ना, उन्हें मुझ जैसे लोगों से मिलना ही पड़ता है जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। बस हम आप
प्लीज डोंट यार। जानवी, तुम I'm so sorry about this, but तुम यहाँ कैसे? वो मैंने कॉल किया था, पिनी ने फोन उठाया था, उसने यहाँ का एड्रेस दिया। क्या कर रही है ये? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। इट्स ओके, आप आइए बैठते, प्लीज कम। ये लीजिए पानी पीजिए। जाने क्या बात हुई है, मेरी भूल सी बच्ची रो रोकर आंखें सुजा ली है। जब से आई है इतना रो रही है कि एक पत्थर भी पिघल जाएगा। जानवी मैं जानती हूँ आदित्य ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया है, तुम्हें पहले से ही लगता होगा कि मैं गलत हूँ, और उसके बाद आज मैंने तुम्हारे घर पे आके जो कुछ भी बहुत गलत किया, I'm so ashamed. मेरी इसी नेचर की वजह से मैंने आदित्य को खो दिया। मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। आदित्य मुझे माफ करना तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसे में मैं क्या करूँ? इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए, उसके परिवार से, उस घर से दूर चले जाना चाहिए मुझे, शायद तभी वो खुश रहेगा। सगर वाला, I'm extremely sorry, इतनी रात में मैंने आपको बुलाया, but I had to meet you. I know, निशा आपके घर आई थी, उसने आप पर इल्जाम लगाया, आपकी बेइज्जती की। I'm so sorry, I'm very embarrassed. अगर मुझे पता होता तो मैं उसे वहीं रोक देता। I'm really sorry, unnecessary आपको हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व कर दिया उसने। ये निशा ने आपको खुद कहा? और क्या कहा उन्होंने? क्या कही? यही कि आपके घर गई थी, आपकी बेइज्जती की, आप पर इल्जाम लगाया उसने, सॉरी कह रही थी। टिपिकल ऑफ निशा, पहले जो मन में आया कह दो, उसके बाद सॉरी कह दो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सर उन्होंने गलत समझ लिया था, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो क्लियर हो गई, एंड उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। पर क्या आपने उन्हें माफ किया? मिस अग्रवाल, माफ उन्हें किया जाता है जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो, आप निशा को नहीं जानते। सर अगर आप पास्ट को लेकर उन्हें बार बार जज करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपने डिसाइड किया है उन्हें एक और मौका देने का, तो आई थिंक आपको उन्हें जज करना बंद करना होगा एंड उन्हें माफ कर देना चाहिए। कहाँ जा रही है तू? आज तो संडे ना, फिर मैं आदि सर के घर जा रही हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? अम्मा निशा ने मुझे खुद बुलाया है, उसने खुद मुझसे हेल्प मांगी है, अगर मेरे उनके घर जाने से उनकी हेल्प होती है तो मैं क्यों ना जाऊँ? क्योंकि वही औरत ने तेरे घर में आकर तेरे ऊपर गलत सलत इल्जाम लगाए हैं। मम्मा वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब क्लियर हो गई है, एंड प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस दे दो, मैं सच में आदि सर को उनकी फैमिली के साथ खुश देखना चाहती हूँ, दैट्स इट। एक चांस चाहिए ना तुझे? तो ठीक, मैंने तुझे चांस दी, लेकिन इसके बदले तुझे वो देना होगा जो मैं मांगूंगी। क्या? बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए, मैं जिससे कहूंगी तुझे उससे शादी करनी। हमारे घर में, हमारे रिश्ते में जो कुछ भी गलत हो रहा है सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जिम्मेदार हूँ। आदित्य की कोई गलती नहीं है, वो आप लोगों से बहुत प्यार करता है, ये बंटवारा भी मेरी वजह से हो रहा है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, आपको सजा देनी है अब मुझे दीजिए, आदित्य को नहीं।